साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वशीकरण की एक खास रेमेडी बता रहा हूँ। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये बहुत ही पावरफुली वर्क करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही होता है आकर्षण का सिद्धांत। और आज मैं जो आपको दे रहा हूँ ये है वाटर टेक्निक। हमारी बॉडी जो है 5 तत्वों से बनी है, जिसमें से एक तत्व है जल तत्व। और एक चीज आप लोगों को बता दूं कि जल जो होता है, यानी कि पानी जो होता है, काफी लोग इसको नॉर्मल समझते हैं, लेकिन एक चीज याद रखें, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, हमें महसूस करते हैं, ठीक है, इनमें जान होती है, बस इसी तरीके से पानी जो होता है इसमें एक मेमोरी होती है। हमारे जो भी थॉट्स होते हैं इनको यह करता है, एब्जर्व करता है। और आज की जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ ये वाटर टेक्निक है। अगर आपको वाटर टेक्निक का पूरा डिटेल्स अगर आपको चाहिए, अगर मैं यहाँ पर वाटर टेक्निक की अगर आपको डिटेल्स दूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप सबसे पहले कंफर्म कर लीजिए। देखिए कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें पॉजिटिविटी का और विश्वास का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप किसी के दिमाग को चेंज करना चाह रहे हैं, है ना, तो ये वाटर टेक्निक जो होती है, आप गूगल में सर्च कर लें डॉक्टर मिसारो मोतो वाटर एक्सपेरिमेंट, आपको पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। और पानी कैसे आपको, मतलब कि हर सिर्फ वशीकरण नहीं, आप जो भी चाहे पानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है पानी के जरिए हम उसे बूस्ट कर सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर होती है, एक तरफ से कहा जाए कि हमारी बॉडी में स्पिरिट, हमारी जो बॉडी में आत्मा कहाँ पे है, आत्मा का जो वास होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। हमारी बॉडी के 2 पार्ट हैं, ठीक है, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। आपने देखा है हैंड भी है, एक राइट है, एक लेफ्ट है। तो आपका राइट साइड जो होता है ये शिव माना गया है, और लेफ्ट साइड जो है ये आपका शक्ति माना गया है। तो लेफ्ट साइड जो होता है ये सबकॉन्शियस माइंड होता है, ब्रेन होता है, और इसमें बहुत पावर होती है। तो अगर हम पॉजिटिविटी के साथ में कोई भी प्रयोग करते हैं उसका रिजल्ट 100% आता है। आज मैं आपको वाटर टेक्निक के जरिए एक बहुत ही खास रेमेडी दे रहा हूँ, जिससे आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं, मतलब उसकी नेगेटिविटी को हटा करके उसके दिल में अपने लिए प्यार जगा सकते हैं, ठीक है। प्रयोग दोस्तों आप सोमवार के दिन में करेंगे। आप सोमवार के लिए क्यों? क्योंकि सोमवार का दिन जो होता है ये होता है चंद्र जो होता है ये जल का कारक होता है, और सोमवार के दिन में यदि आप इस प्रयोग को करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो सोमवार के दिन में आपको क्या करना है, रात्रि में 11 से 1 के बीच में इस रेमेडी को आपको करना है। इसमें दोस्तों जरूरत पड़ेगी आपको एक रेड मार्कर की, रेड पेन भी ले सकते हैं, और एक भोजपत्र की। अगर भोजपत्र नहीं है तो कोई बात नहीं है, भोजपत्र ले लेंगे तो और भी अच्छा है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। दुकान चले जाइए जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहां से एक भोजपत्र का टुकड़ा ले आइए, 10-20 रुपए का मिलेगा। एक कांच की आपको ग्लास लेनी है, और आपको शुद्ध जल लेना है एकदम, आपको मतलब ताजा पानी लेंगे तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, शुद्ध जल आपको लेना है। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी, तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों एक खास बात बता दूं, हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति को अपना अनुकूल कर रहे हैं तो वहां पर सबसे पहले आपके इरादे जो होते हैं वो नेक होने चाहिए, मकसद आपके जायज होना चाहिए। आप किसी के दिमाग को पलटने के लिए प्रकृति का, कुदरत का सहारा ले रहे हैं, किसी को मिसयूज करने के लिए अगर आप रेमेडीज करेंगे तो वर्क नहीं करेगी। तो यदि आपके दिल में सच्चाई है तो 100% ये रेमेडी वर्क करेगी। और एक कंडीशन होती है कि जिस व्यक्ति का पहले से वशीकरण होता है, कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन होती है, या फिर उसके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, या उसका पहले से वशीकरण होता है, उस पर कोई भी रेमेडी तब तक वर्क नहीं करती है जब तक उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए। यदि आप किसी व्यक्ति का काफी टाइम से वशीकरण कर रहे हैं, काफी रेमेडीज ट्राई कर रहे हैं, आपने लाखों विधि अपना ली लेकिन वो वर्क नहीं कर रही है, तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति के ऊपर पहले से वशीकरण है या कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है। ऐसी कंडीशन में यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे ये विधि करवाना चाहते हैं,
तो आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। और एक बात आपको अलर्ट कर दूं कि कोई व्यक्ति अगर आपको बोले कि एक दिन में, एक घंटे में या तीन दिन में किसी का वशीकरण करके दे रहे हैं, तो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड केस होने लगे हैं। तो एक दिन में या तीन दिन में वशीकरण की विधि नहीं होती है, कम से कम 7 days, 11 days या 21 days और ज्यादा से ज्यादा 41 days लग जाते हैं। किसी के दिमाग को, माइंड सेट को आप चेंज कर रहे हैं, तो एक घंटे का काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं होता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा अलर्ट रहें, दूर रहें, ठीक है। तो देखिए, इसमें जरूरत पड़ेगी आपको एक भोजपत्र की, रेड मार्कर की, और सोमवार के दिन में रात्रि में 11 से 1 के बीच में इस रेमेडी को, ज्यादा नहीं, आपको 10-15 मिनट की ये रेमेडी करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक शुद्ध कपड़े पहन लेंगे, जिस दिन प्रयोग करेंगे उस दिन ब्रह्मचर्य से रहेंगे, नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों को अवॉइड करेंगे, कोई स्टोन पत्थर पहना है उनको उतार देंगे। और रेमेडी करने से पहले आपको महादेव का ध्यान करना है, ठीक है, उनसे प्रार्थना करनी है, आज्ञा लेनी है, आशीर्वाद लेना है। फिर बाद में गणेश भगवान का ध्यान करेंगे, उनसे आज्ञा लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। फिर बाद में नौ ग्रहों का ध्यान करेंगे। नौ ग्रह जो होते हैं, ये प्लैनेट होते हैं, इन्हीं के योग बनाने से हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, बुरा होता है, तो इनको भी आपको ध्यान करना है। अब जिस घर में आप रहते हैं उस घर के वास्तु पुरुष यानी कि वास्तुपीठ देवता, उनका आपको ध्यान करना है। उसके बाद में सोम यानी कि चंद्र भगवान का ध्यान करेंगे, जो जल के कारक हैं, आज्ञा लेंगे, आशीर्वाद देंगे। अब एक आपको क्या करना है, अब दिया जलाना है आपको घी का, किसी भी एकांत कमरे में बैठ जाएं। अब रेमेडी करेंगे तो किसी की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, एकांत कमरे में बैठें, पूर्व दिशा की तरफ मुंह रखें, सामने एक बाजूट पटरा लगाएं, उसमें घी का दिया जलाएं। अग्नि साक्षी होती है किसी भी उपाय का, ठीक है, पूजा पाठ का, तो दिया जरूर जलाएं। भोजपत्र आपको लिखना है, भोजपत्र रखना है सामने, रेड मार्कर से चारों तरफ स्वास्तिक बना देंगे, चार कोनों में, ठीक है। स्वास्तिक बनाने के बाद में बीच, सबसे पहले उस व्यक्ति का पूरा नाम आप लिख देंगे, अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो डेट ऑफ बर्थ भी लिख दीजिए, उसके नीचे लिख दीजिए लव, या हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, प्यार। उसके बाद में जो भी आपकी मनोकामना है, आप कैसा रिलेशनशिप उसके साथ में चाहते हैं, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती हो, जो भी आपकी मनोकामना है, तीन या चार लाइन में आपको उस भोजपत्र में आपको लिख देना है, ठीक है। भोजपत्र में लिखने के बाद में उसको फोल्ड कर देना है, फोल्ड करके सीधे हाथ में रखेंगे, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे, आंख बंद करेंगे, उस व्यक्ति को 2 मिनट तक आप विजुलाइज करेंगे, जितनी गहरी इमेज आप उसकी सोच सकते हैं उसको आपको सोचना है सामने। हाँ, एक चीज और रखना है कि ये रेमेडी करते हुए एक ग्लास में आपको एक पानी रखना है, ग्लास कांच की हो या फिर आप प्लास्टिक की कोई बोतल भी ले सकते हैं, ठीक है। अब सामने ग्लास रखने के बाद में आपको उस ग्लास में देखते हुए उस व्यक्ति का 251 बार उस व्यक्ति का नाम आपको लेना है, ठीक है। जैसे मेरा नाम रुद्र है, तो आप रुद्र 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 251 टाइम्स नाम लेंगे। उसके बाद में आपको 51 टाइम्स ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करेंगे। जो कागज आपने लिया है उसको फोल्ड करके सीधा खोल लेंगे और पानी में आपको डिप कर देना है, पानी में आपको डाल देना है, ठीक है। यहां आपका काम खत्म हो गया। अब इसको उठा करके आपको क्या करना है, कहीं जहां 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 आप सोते हैं तो आपके आपके सिर के पीछे भी रख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि हम सिर के पीछे नहीं रख सकते हैं तो पानी वगैरह गिर ना जाए, तो कांच की बोतल ले सकते हैं, उसकी प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं, उसमें पानी डाल के इस कागज को उसमें डाल करके ढक्कन लगा के कहीं सुरक्षित रख दें, ठीक है। और यदि हो सके तो इसको अपने सिर के नीचे रख लें या सिर के पीछे रख लें, 7 days, 11 days या 21 days तक आपको इसके सिर के पीछे रखे रहने देना है। अब यदि जो लोग सिर के नीचे नहीं रख सकते या सिर के पीछे नहीं रख सकते तो कहीं ऐसी जगह रख दें जहां पर किसी की नजर ना पड़े। और डेली आपको अगर सिर के पीछे रख रहे हैं तो इसके आगे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जो लोग सिर के पीछे नहीं रख पा रहे हैं तो डेली इस बॉटल को या कांच के ग्लास को आपको उठाना है और डेली इसको चार्ज करना है। मतलब कि जो अफर्मेशन आपने उसमें लिखी हुई है उस व्यक्ति का 11 बार नाम लेंगे और जो लाइन आपने लिखी है 11 बार उस चीज को रिपीट करेंगे और फिर उसको वहां पर रख दें। बस आपको 7 days, 11 days और 21 days तक पेशेंस बना के रखना है। जल जो होता है, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि पानी जो है जीवित तत्व है, ठीक है, और हमारी बॉडी में 75% पानी है। तो सबकॉन्सियस माइंड में एक विशेष पावर होती है। अब यह है कि आपका सबकॉन्सियस माइंड ही यहां वर्क करेगा। आपके सबकॉन्सियस माइंड की जो एनर्जी होगी और जो पानी के थॉट्स को ऑब्जर्व करने की एनर्जी होगी, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो ये एनर्जी जाकर के उस व्यक्ति के माइंड को, माइंड सेट को चेंज करना शुरू कर देगी। पानी में बहुत ताकत होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरी डिटेल्स मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप एक बार सर्च कर लें वाटर एक्सपेरिमेंट डॉक्टर मिसारो मोतो, तो ये आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो रेमेडी करेंगे तो आपको बिलीफ सिस्टम आपका मजबूत होगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ पानी किस तरीके से वर्क करता है।
तो पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया, किसी व्यक्ति का पहले से वशीकरण है, तांत्रिक प्रोटेक्शन है, उस पर कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर से तांत्रिक चीजों को रिमूव ना किया जाए। ऐसी कंडीशन में यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी, ठीक है। और किसी भी प्रकार की यदि कंसल्टेशन चाहते हैं, अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग या फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, यदि अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक करवाना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यदि बर्थ चार्ट आप लोगों का कंफर्म नहीं है तो आप करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, ठीक है। स्क्रीन में जो शो हो रहा है, व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं सब लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में। आपको यदि ऐसा लगता है कि कोई और भी तकलीफ में है, किसी को जानकारी की नीड है, तो उससे की जानकारी को जरूर शेयर करें। देखिए, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले पाएंगे, और लोग भी अपनी परेशानी से मुक्त हो पाएंगे, घर बैठे किसी की आप हेल्प कर सकते हैं, तो उस तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।